हे व्यूअर्स, होप यू ऑल गुड। और आज मैं आपको दिखाऊंगी एक पुराना कैमरा। जी हाँ, उस वक्त मोबाइल फ़ोन इतना कॉमन नहीं हुआ करते थे, कैमरा हुआ करते थे। और कैमरा भी इतने कॉमन नहीं होते थे, हर किसी के पास नहीं होता था। तो जो याशिका कंपनी है, इसमें सस्ते महंगे दोनों दोनों ही रेंज के कैमरे आते थे, तो हर कोई अपने हिसाब से ख़रीदता था। मेरे पास भी एक पुराना कैमरा है, याशिका इजेड्स जूनियर, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और फ़ोटो खिंचवाना उस वक्त इतना आसान नहीं होता था, या तो आपके पास आपका खुद का कैमरा हो, या तो फिर आपको स्टूडियो जाना पड़ता था फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और स्टूडियो में भी कभी तरह तरह की सीनरी होती थी, बड़ी सी पेंटिंग होती थी, या कोई कलरफुल कर्टन होता था, उसके पास खड़ा करके आपको पोज देना होता था और फिर आपकी फ़ोटो खींची जाती थी। बड़ा फ़नी सा लगता है सुनने के में, लेकिन उस वक्त ऐसा ही होता था। आज तो हर किसी के पास फ़ोन है, हर कोई जब चाहे तब कहीं भी फ़ोटो क्लिक कर सकता है और फ़ोटो तुरंत आप देख सकते हैं गैलरी में। और उस वक्त तो अगर हमारी फ़ोटो खिंच भी जाती थी तो हमें इंतज़ार करना पड़ता था कि ये फ़ोटोग्राफ़र के पास से कब नेगेटिव धुलेगा और कब फ़ोटो हमारी बन के आएगी। तो बड़ा पेचीदा काम हुआ करता था। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैमरा कैसा है। मैंने इसको बहुत संभाल के रखा है, इसका डिब्बा भी और कैमरा भी। ये देखिए, ये है वो कैमरा। 30 mm का है इसका लेंस, और लेंस खोलने के लिए ये खुल गया। छोटा सा कैमरा था, हैंडी था, फ़ोटो बहुत ही इसमें अच्छी आती थी। और किसी भी मोमेंट को सेव करने के लिए पिक्चर से अच्छा क्या हो सकता है। तस्वीरें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ में, और जब फ़ोटो खींच कर आती थी तो बाकायदा हम उसका एल्बम बनाते थे और उसको रखते थे। फिर फैमिली फ्रेंड सब मिल के साथ में वो एल्बम खोल के देखना, उन तस्वीरों को छू कर देखना, वो अलग ही एहसास है। आज आप अपनी गैलरी में फ़ोटो सेव करते हैं, बस उसको देखते रहते हैं, उंगलियों से बस टच किया ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन तस्वीरों को छू कर देखना, वो हर एक मोमेंट आपकी आंखों के सामने से तैर कर निकलता है, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो ये था इसका लेंस, ये सामने का पोर्शन, और ये बैक है। ये एक बटन है जिसको करने से ये खुल जाता है। तो ये जो पोर्शन है, यहाँ पे रील डलती थी, और ये बैटरी वाला पोर्शन है। ये देखिए, और जब फोटो खिंच जाती थी तो कुछ ऐसे नेगेटिव बन के आता था, और फिर फोटोग्राफर बनाकर इस नेगेटिव से देता था। तो फिर हम उसे एल्बम में लगाते थे अपने हिसाब से, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो फेयरवेल हो, चाहे वो शादी हो, हर एक मोमेंट को कैप्चर करने के लिए हमारा यह छोटा सा कैमरा बड़ा साथ दिया है इसने। तो आपने भी कभी ना कभी कैमरा यूज़ किया ही होगा, अपना नहीं तो किसी और का यूज़ किया होगा। तो आपने कौन सा ऐसा पुराना कैमरा यूज़ किया है, आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। तो फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।